सो आज किस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं 2024 मॉडल बजाज पल्सर NS400G के EMI के बारे में कि अगर आप लोग इस NS400G को फाइनेंस करवा के EMI पे लेते हैं तो आप लोग को मंथली में कितना EMI भरना पड़ेगा, साथ ही साथ दोस्तों इस बाइक को EMI पे लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और इसके अलावा दोस्तों इस बाइक को EMI पे लेने के लिए कम से कम कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज किस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आपको इस बाइक के ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो लगभग दोस्तों आप लोग को 2,30,841 रुपए जो है ऑन रोड देखने को मिलेगा प्राइस। बाकी यहीं पे दोस्तों अगर मैं आप लोग को डाउन पेमेंट के बारे में बताऊं तो इस बाइक को दोस्तों EMI पे लेने के लिए कम से कम आप लोग को इस बाइक का 30% डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों 2,30,841 रुपए का अगर हम लोग 30% निकालें तो लगभग दोस्तों 69,252 रुपए होता है। तो इस बाइक को दोस्तों EMI पे लेने के लिए कम से कम आप लोग को 69,252 रुपए तो पे करना ही होगा और आपका जो डाउन पेमेंट है दोस्तों ये आपके सिविल स्कोर पे भी डिपेंड करेगा। बाकी दोस्तों अब मैं आप लोग को EMI के बारे में बता देता हूँ। अगर आप लोग इस बाइक को एक साल के लिए लेते हैं लोन पे फिर दोस्तों मंथली में आप लोग को 14,812 रुपए पे करना होगा। अगर दोस्तों आप लोग एक साल छः महीने के लिए लेते हैं इस बाइक को लोन पे फिर दोस्तों मंथली में आप लोग को 10,323 रुपए पे करना होगा। वही दोस्तों अगर मैं आप लोग को दो साल के बारे में बताऊं तो मंथली में दोस्तों 8,079 रुपए पे करना होगा। ढाई साल के बारे में बात करी जाए तो मंथली में दोस्तों आप लोग को 6,732 रुपए पे करना होगा। और बात करी जाए दोस्तों तीन साल के बारे में कि अगर आप लोग इस बाइक को तीन साल तक के लिए लेते हैं लोन पे फिर आप लोग को मंथली में कितना EMI भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बाइक को अगर आप लोग तीन साल के लिए लेते हैं तो फिर दोस्तों मंथली में आप लोग को 5,835 रुपए के आसपास में पे करना होगा। तो ये तो दोस्तों मैंने आप लोग को एक साल से लेकर तीन साल तक के मंथली EMI के बारे में मैंने आपको बता दिया है। लेकिन दोस्तों काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ज्यादा डाउन पेमेंट करना होता है, यानी कि कुछ लोग जो है 80,000 रुपए भी डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, 90,000 भी करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग जो है 1,00,000 रुपए भी डाउन पेमेंट करना चाहते हैं। उनके लिए दोस्तों अब मैं EMI बता देता हूँ। सो अगर आप लोग इस बाइक के लिए दोस्तों 80,000 रुपए डाउन पेमेंट करते हैं फिर दोस्तों मंथली में आप लोग को 7,542 रुपए के आसपास में पे करना होगा। अगर आप लोग 90,000 रुपए इस बाइक के लिए डाउन पेमेंट करते हैं फिर दोस्तों मंथली में आप लोग को 7,042 रुपए के आसपास पे करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इस बाइक को जो है EMI पे लेते हैं और अगर आप लोग दोस्तों 1,00,000 रुपए डाउन पेमेंट करते हैं फिर दोस्तों मंथली में आप लोग को 6,542 रुपए के आसपास में पे करना होगा। आगे दोस्तों यहीं पे मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट के बारे में भी बता देता हूँ कि इस बाइक को EMI पे लेने के लिए आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों आप लोग को दो ID प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें दोस्तों आप लोग पहला जो है अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, सेकंड दोस्तों आप लोग अपना वोटर ID कार्ड भी दे सकते हैं, एंड अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है फिर दोस्तों आप लोग अपना पैन कार्ड भी दे सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को खाता भी लगेगा जिसे हम लोग अकाउंट भी कहते हैं, और इसके अलावा दोस्तों आप लोग को अपना ATM कार्ड भी देना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों आप लोग को दो पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो भी लगेंगे और काफ़ी सारे फाइनेंस कंपनी दोस्तों क्या है ना कि बिजली का बिल भी मांग लेती है। तो कुल मिला के दोस्तों आप लोग को ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इस बाइक को EMI पे लेने के लिए। बाकी दोस्तों अब मैं आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बता देता हूँ, यानी कि दोस्तों जो फाइनेंस कंपनी आपके बाइक को फाइनेंस करेगी वो अपना कितना कुछ इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करेगी। सो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनरली जो इंटरेस्ट रेट होता है दोस्तों ये 8 से लेकर जो है 12% के बीच में होता है। लेकिन दोस्तों मैंने जो आप लोग को EMI कैलकुलेशन करके बताया है ये दोस्तों मैंने आप लोग को 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से बताया है, और ये जो दोस्तों मैंने आप लोग को 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया है ये दोस्तों पूरे साल भर का 10% इंटरेस्ट है। तो जी हाँ दोस्तों 2024 मॉडल बजाज पल्सर NS400G का फाइनेंस से रिलेटेड जो भी जुड़ी जानकारी थी उसके बारे में दोस्तों मैंने आप लोग को कंप्लीट डिटेल से जानकारी दे दिया है। फिर भी दोस्तों आप लोगों में से किसी का भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइट से।